तो आज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जाग देवता आज समापन की ओर जा रहे हैं और आज पूरा अपना मैथिली मुल्क में यहाँ पे आपने देखा होगा सर्वप्रथम यहाँ पे आप यहाँ पे चटोई जो यहाँ पे आप जानेंगे आटा ये फाफर का आटा जो भगवान जो जाग देवता का भोग लगता है उसी को प्रसाद रूप में आज वो कोरी पूजा समझो अभी जब तक वो अपने नगर भ्रमण जाते तब तक उनके लिए कोरी पूजा में मतलब ये फाफर का आटा जो कि ऐसा आटा है कि बाकी ये 17 दिन का जो हमारा मेला चला है इसमें डेली मतलब वही फाफर का भोग लगता है और यहाँ पे अभी जाग देवता पूरा नगर भ्रमण करेंगे और शाम को फिर जब वहाँ से लौट के आएंगे आधा गांव घूम के तो तब यहाँ पे फिर एक सुप दिया जाता है। तो सुप का मतलब यह है कि उसको मतलब 3 साल तक के लिए को राशन दिया जाता है कि ये ध्यान हमारे मतलब हम आज विदा करने जा रहे हैं और इसमें तो वो फाफर के ही भोग लगता है इसलिए देवी को फाफर का आटा ही और फाफर का भोग ही सर्वप्रथम उचित माना गया है। बाकी कई व्यंजन को खाना मतलब वो भोग नहीं लगाया जाता है केवल एक फाफर का ही आटा का भोग लगाया जाता है जो कि देवी का प्रिय भोजन है। इस प्रकार हमारे गांव का आज ये मेला समापन की ओर जा रहा है और हमारे जाग देवता पूरे गांव में मृत्यु के नगर में घूमते घूम के दर्शन करके दर्शन मेला करके और फिर तीसरे साल बाद 2 साल के लिए रेस्ट समझो फिर तीसरे साल फिर आवागमन होता है और इसी क्रम के अनुसार फिर इसी प्रकार से मेला का शुभारम्भ करके लास्ट समापन के लिए जाग देवता अपने ससुराल के लिए प्रस्थान करते हैं। जय जाग देवता की जय हो।